बस तो मैं नीचे आ चुकी हूँ, तो ये कल के बैंगन के पकौड़े थे ना, इसमें मैंने सैंडविच बना के खा लिया और इससे भी मैं खाने वाली हूँ। और उसके साथ मैंने चाय का कप बनाया है, हस्बैंड को भी मैंने बना के दिया, वो कह रहे कि अच्छा बना है। ऐसे लग रहा है कि पैटी है क्योंकि गुई है ना, स्वादिष्ट। सो हिम्मत खाने वाला है लेफ्ट ओवर पिज्ज़ा फ्रॉम यस्टरडे। हिम्मत को पिज्ज़ा बहुत अच्छा लगता है गाइस, स्पेशली लेफ्ट ओवर। सामान उतारना पड़ेगा। पिज्जा टेस्ट इवन बेटर। व्हाई? आई डोंट नो। तो ये थोड़ा खाने पीने के बाद मैं जाने वाली हूँ थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी दो चार चीज़ें मुझे चाहिए। देसी घी बनाने के लिए बटर चाहिए मुझे, एंड मिल्क। मैं चाय पी के जाना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं बाहर जाके आपको ना चाय एंड कॉफ़ी की क्रेविंग होती है ना, तो अच्छा है कि घर से पी के जाओ। ओके, मैं यहाँ पे हूँ अपने लिए कुकीज़ देख रही हूँ चाय के साथ खाने के लिए, और फॉर सम रीज़न जो कुकीज़ हम खाते हैं ना फाइबर वाली, वो मिल ही नहीं रही है मुझे किसी भी स्टोर में। और उसको रिप्लेस करने के लिए मैं कोई और कुकीज़ देख रही हूँ जिसमें शुगर कम हो, सिंपल सादी फाइबर वाली। वैसे तो हम ज़्यादा कुकी खाते नहीं है चाय के साथ, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, पर हस्बैंड सम टाइम एक कद्दी खा लेते हैं, पर बेचारे सूखी चाय पी रहे हैं बहुत दिन से, नहीं मिल रही है। ओके, मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। ग्रॉसरीज हमने टका ली हैं, एंड ये है बटर, इसमें से क्या बोलते हैं देसी घी बनाऊंगी मैं, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। पर उससे पहले मैं लेने वाली हूँ चाय की ब्रेक। चाय बन चुकी है, मैं और हस्बैंड बाहर तोपचे बैठ के चाय पीने वाले हैं, और हिम्मत अपनी दोस्त के साथ उसके घर चला गया। पहला वो खेल के गई है, हूँ वो चला गया, आई डोंट नो की कर देगी है। सो या क्विकली वी गोना गो आउटसाइड एंड ड्रिंक। कितने दिन हो गया कढ़ी नहीं बनाई, हस्बैंड नो ना कढ़ी बना के देंगे, उसको बहुत अच्छी लगती है। सो बटर को रख दिया है मैंने मेल्ट होने के लिए, धीरे धीरे ये बनेगा देसी घी। सो डिनर का समय हो गया है। आज मैं बनाने वाली हूँ मलाई कोफ्ता, एंड उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लाइक बहुत डिटेल में नहीं, पर ऐसे समझाऊँगी कि आपको पता चल जाएगा। सो सबसे पहले हम लेंगे लौकी किया, इसको मैं ना छील लूँगी एंड कद्दूकस करेंगे इसको। एंड मेरे ना हाथ बहुत पेन करते हैं सम डेज, एंड ठंडी चीज़ों से ना बहुत मुश्किल होता है मुझे, क्योंकि मैंने फ्रिज से निकाल लिया तो मुझे बार बार ब्रेक लेना पड़ता है हाथ का, क्योंकि हाथ ऐसे ठंडे हो के ना अकड़ से जाते हैं, लाइक स्टिफ हो जाते हैं। सो इसको हम ग्रेट कर लेंगे। वैसे तो मैं इसके लिए फूड प्रोसेसर यूज़ कर लेती हूँ, पर आज मेरे लगा कि चाय की गंद पाना ऐसे कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा ग्रेट हो गया। आप इससे पानी भी निकाल सकते हैं, पर मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि फिर हम अलग से कुछ पानी नहीं ऐड करेंगे, इसी के पानी से हम चलाएँगे। अब इसमें मैंने ऐड किया है जीरा एंड धनिया के सीड्स क्रश करके, फिर मैं थोड़ा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी कलर के लिए, एंड सॉल्ट ऐड करती हूँ, एंड ये लाल मिर्च भी ऐड की है मैंने। और उसके बाद ये आलू का मिक्सचर है मेरे पास, कल का पड़ा था, ये व्लॉग थोड़ा पुराना है ना, तब मैंने शिमला मिर्च बनाई थी ना अदर डे, तो उसका ये स्टफिंग था, उसी की वजह से मुझे ये कोफ्ते थोड़ी जल्दी बनाने पड़े, क्योंकि आलू वैसे भी मैं इसमें बॉयल करके ऐड करती हूँ, तो अभी ये अच्छा मिक्सचर बना हुआ था तो मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें मैं बेसन ऐड करके धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाऊँगी जब तक ये थोड़ा हार्ड नहीं हो जाता बॉल्स बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे हम, पर इतना हो कि आप इसकी अच्छी आसान क्यूट सी बॉल्स बना पाएँ। अब मैंने ऑयल को रख लिया है फ्राई करने के लिए, और यहाँ पे प्लेट पे ना मैं बॉल्स को रेडी करके रख लेती हूँ ताकि फिर ना सारे इवनली कुक हो। अगर आप एक एक डालते हैं तो या तो शेप ख़राब हो जाती है या फिर क्या होता है कि ज़्यादा कुक हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा हीट मिल जाती है ना एक कद्दे को। सो वो बना के रखेंगे और इसे स्लो हीट पर मज़ेदार अच्छा ब्राउन कुक कर लेंगे हम, फ्राई कर लेंगे।
और उसके बाद तड़के की तैयारी करेंगे। तड़का एक्चुअली मैं दो चीज़ों को लगाने वाली हूँ आज। मैं काले चने की करी भी बना रही हूँ एंड ऑल्सो मैं इसको भी तड़का लगाऊंगी क्योंकि मुझे काले चने बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये कोफ्ते बेसिकली हस्बैंड के लिए होने वाले हैं और मैं ज़्यादा काले चने की तरी खाऊंगी या फिर वो कल के लिए हो जाएगी। सो उसके लिए मैं लेने वाली हूँ ये दो बड़े बड़े अनियन क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि दोनों का तड़का एक ही साथ तैयार कर लूँ। गार्लिक मेरे पास ऑलरेडी था। सो बेसिक ही तड़का होने वाला है। हम अनियन करेंगे, टमाटर करेंगे, ग्रीन चिली, जिंजर, आपके स्वाद के अनुसार जितना आपको अनियन अच्छा लगता है। कई लोगों को गार्लिक स्किप करना होता है या गार्लिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या जिंजर कईयों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने हिसाब से तड़का आप तैयार कर लें। तो मैंने ये सारी चीज़ें लेके क्रश कर ली हैं। पहले मलाई कोफ्ते का तड़का लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने ना काले चने भी, मैं थोड़ा काले चने को जब मैं तड़का लगाती हूँ ना तो मैं कच्चे काले चने को तड़के में डालती हूँ ताकि जब चने कुक हो तड़के के साथ तो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि उबाल के तड़के में मिक्स करने से वो मज़ा नहीं आता जो जब वो साथ में कुक होते हैं वो मज़ा आता है। ओके, तो हस्बैंड भी गपशप लड़ा रहे हैं, थोड़ी कड़शी से हाथ थमा रहे हैं अपने हमें, टाइम पास करते रहते हैं, चिल करते रहते हैं वो। सो अभी मैंने क्या किया है कि ऑयल में मैंने सबसे पहले जीरा एंड तेज पत्ता ऐड करके अनियन को कुक करेंगे स्लो। अच्छी तरह कुक करूँगी मैं अनियन को, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और अनियन को कुक करते समय मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, उससे जल्दी हो जाते हैं अनियन, लाइक गल अच्छी तरह जाते हैं वो जल्दी। We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could shine this book again. But I don't wanna think what's happening. But who cares? के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च एंड काली मिर्च। और ज़्यादा कोई स्पेशल मसाले नहीं ऐड करने वाली हूँ मैं। और उसके बाद हम इसमें टमाटर की पेस्ट, ये टमाटर का जो मैंने ग्राइंड करके रखा है वो ऐड करके अच्छी तरह कुक करेंगे। जब ऑयल छोड़ देगा वो तो उसमें मैं ऐड करूँगी 35% क्रीम, अपने अंदाजे के हिसाब से ही। आई बॉल कर रही हूँ मैं, कोई मेजरमेंट नहीं है। आप देखें कि आपको कितना क्रीमी चाहिए। मुझे क्रीमी चाहिए था पर मैं चाहती थी कि मेरा तड़का भी नज़र आता रहे। So, जब ये थोड़ा सा कुक होता है ना उसी के साथ मैं ये कोफ्ते की बॉल्स को ऐड कर दूंगी। और उससे क्या होता है कि ये करी एंड कोफ्ते एक साथ कुक हो जाएंगे, कोफ्ते थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। एंड उसी के साथ मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करती हूँ क्योंकि वो इस रेसिपी में बहुत अच्छी लगती है। एंड अब इसको कुक करते रहे, साथ में मैंने रोटी बनानी भी शुरू कर लूँगी। परांठा बनाऊँगी मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड के लिए, तो उनको सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट करी बनती है। अगर आप किसी मेहमान के लिए बनाना चाहें तो मेहमान चकाचौंध हो जाएंगे कि आपने कहाँ से मंगवाया है। बहुत अच्छी बनेगी। और या फिर अपने पति को खुश करने के लिए आप भी बना सकते हैं। सो इसको टेस्ट टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको कैसी बनी है। Together.
अबे दोस्तों, तो हस्बैंड की थाली तैयार है। हस्बैंड का रिव्यू लगाने भाव एक बुर्की खा के रिव्यू दोगे? ओ यार कम ऑन, सीरियसली ला बॉब, आई डोंट नो इफ दे कैन सी यू। आ भी लो, थोड़ी बड़ी बाइट लो ना, देखने से तो अच्छा लग रहा है भाव। ओ कोफ्ते दी बाइट लो, बढ़िया चूज सच चल जाएंगे। जा आजा ला तो खा ला मेरी आरती का भी। बहुत ही क्या आरती है, उठे बैग ही खा लो, दरवाजा बंद कर ला खा लो। अगर कोफ्ते दी बाइट लोगे तब पता चलेगा सारा। सिर्फ आलू का आप क्रश करके कैशू नट्स डालेंगे ना तो ये और रिच हो जाएगी और स्वादिष्ट लगेगी। पर मैंने इसमें किशमिश डाली है, हस्बैंड को पता नहीं मुझे आई होनी कि नहीं आई है। एंड इसको आप जितना भी थिक बनाना चाहें या पतला भी बना सकते हैं, पर मैंने लगता जब आप थिक बनाते हैं ना तो रेस्टोरेंट स्टाइल वाइब आती है। सो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो ये बनाएं ऐसे थिक स्टाइल, सारे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि बनाया कि पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली लौकी है ये, एडी लग्जरी लौकी है वो, गरीब सब्जी को लग्जरी बनाने का आसान तरीका, या बहुत स्वादिष्ट है। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको जल्दी ही नए वीडियो में मिलूंगी। मेरी तबीयत अब अच्छी हो चुकी है, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जल्दी ही नए वीडियो में मिलती हूँ। आई लव यू, बाय।